दिवाली नाम सुनते ही दिलो दिमाग रोशनी से लगदग होने के साथ ही बचपन की यादों की ओर लिए जाते हैं। जब हम हमारे पूर्वजों से सुना करते थे, लंका विजय करके भगवान श्री राम अपनी धर्मपत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। 14 वर्ष के कठोर वनवास के बाद अयोध्या लौटे राजा राम के दर्शन तो पूरे राज्य की जनता करना चाहती थी, लेकिन अमावस की श्याह काली रात उनके सपनों पर अंधकार की कालिक सी दिख रही थी। सभी ने यह निर्णय लिया कि भगवान राम के आगमन से पहले हर घर के बाहर मिट्टी के दिए जलाने के साथ ही पूरे नगर में दीपक जलाकर राजा और रानी का ऐसा स्वागत करना है कि रात का नामो निशान कहीं नहीं रहे। बस उसी दिन से पूरे देश में 5 दिवसीय दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस प्रकाश पर्व पर चारों तरफ सिर्फ मिट्टी के दीपक लगाकर शाह अंधेरे को भी जीतने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कुछ सालों से चाइनीज दियों और झालरों के चलते मिट्टी के दिए कहीं खोते जा रहे हैं, लेकिन हम सभी मिलकर यही प्रयास कर रहे हैं कि पौराणिक मान्यताओं के साथ ये परंपरा खत्म नहीं होनी चाहिए। देखिए एक रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दिया। कहते हैं जैसे श्री राम ने रावण का वध कर बुराई के ऊपर अपनी जीत स्थापित की थी, उसी प्रकार दिया भी अंधेरे को मिटाकर रोशनी फैलाता है। अंधेरा यहाँ बुराई और दिए की रोशनी अच्छाई का प्रतीक है। कहते हैं कि दियों को जलाकर हम अपने मन और जीवन में फैले अंधकार को दूर कर उन्हें फिर से रोशन बनाते हैं। हमारी जिंदगी को भी प्रेरणा प्रदान करता है दिया। लोग ऐसा मानते हैं कि दिया जलने से जो भी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद होती है वह धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही नहीं, जिस तरह दिए की बाती सभी तकलीफों को झेल जलती रहती है, वैसे ही हमें भी कभी परेशानी से डर कर हार नहीं माननी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। श्री राम के 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटने की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी को दियों से रोशन किया गया था और मान्यता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस त्योहार को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। अगर बात दियों की हो तो ये भी अंधकार मिटाकर रोशनी करते हैं, यानी कि अंधेरे पर रोशनी की विजय। इस आधुनिक युग में भी दीपावली के मौके पर घरों को रोशन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरों में भी मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। इस पुरातन परंपरा के जीवित रहने के कारण ही कुंभकारों के आंगन में परंपरागत रूप से चाक पर दिए का निर्माण हो रहा है। उदयपुर के कुम्हारवाड़ा, सेवाश्रम कुम्हार बस्ती और कुम्हारों का भट्टा आदि इलाकों में कुंभकारों ने दिया बनाना शुरू कर दिया है। पुश्तैनी काम में लगे शंकरलाल कुम्हार बताते हैं कि करीब 3 महीने की मेहनत के बाद जाकर हम कुछ मुट्ठी भर दिए बना पाते हैं, जिसमें घर के सभी सदस्य दिन रात मेहनत करते हैं। परिवार की बात करें तो छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल से आने के बाद दादाजी का हाथ बटाते हैं, जिससे पुश्तैनी काम भी सीखते हैं और परंपरा को जीवित रखने में भी सहयोग होता है। शंकरलाल का कहना है कि इस बार बारिश ज्यादा होने से दिए कम मात्रा में बन पाए हैं, काफी नुकसान भी हुआ है। फिर भी हर शुभ कार्य के लिए मिट्टी के दिए ही जलाए जाते हैं। भले ही लोग चाइनीज लाइट्स से आकर्षित होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हर भारतीय के दिलों में मिट्टी के दीपक की अलग जगह है। देश हित और जागरूकता के कारण पिछले वर्ष चाइनीज झालर की बजाय मिट्टी के दियों की मांग तेज थी और आशा करते हैं कि इस वर्ष भी लोग हमारी मेहनत को देखते हुए मिट्टी के दीपक जरूर जलाएंगे। हमारे तो पीढ़ी काम यही कर रही है, सीजन में ईंट का धंधा करते हैं, जो बारिश में बैठे रहते हैं ये इसी से ये गुजारा करते हैं। बारिश में बैठे बैठे यही काम करते हैं, हमसे परिवार लगा रहता है इसमें। सर अभी बना तो ये रहे हैं, जैसे कि दीपक बना रहे हैं, ये गांव वाले घोड़ा ने, ये लक्ष्मी जी ने इनकी पूजा की, करवा है, बड़े प्याले हैं, रंगीन प्याले हैं, और ये छोटे दीपक रंगीन है, ये सब ले बनाते हैं। इस बार नया क्या है? नया तो सर ये बरसों से ये चला रहा है, 1-2 पीस नए हैं, ये रंगीन वाले लक्ष्मी जी ने, ये सब मिलती है यहाँ पे। समस्या तो बाबू जी ये है कि ना आपकी बारिश ने बनाने नहीं दिया, ये अभी सोमवार से खुला था, आदमी सब परिवार इसी में लगा हुआ है,
और वैसे हम भी इसमें लगे हुए राखी के तीसरे रोज से लगे हुए हैं, पर वो बारिश आती नहीं, वो बनाते नहीं, वो गल जाता है, बारिश आती नहीं बनाते गल जाता है। कुमारी सी में परेशान है, बारिश से ज़्यादा हुई तो परेशानी, कम है तो ही परेशानी। सीधा आप जानते हो पब्लिक है, जितना सस्ता मिले उतना दौड़ती है। अब एक एक मिट्टी का इसलिए लोग सोचते हैं कि कम से कम दाम में मिले, पर इसमें मेहनत ज़्यादा, दाम तो इतना है नहीं, बड़ी परेशानी है इसमें। जैसे अभी चाइनीज बहुत से बोल रहे चाइनीज़ के आगे, चाइनीज़ के आगे, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि इस धंधे में और मिट्टी में लक्ष्मी पूजन के लिए तो मिट्टी का ही शुभ माना गया है, सबसे बढ़िया शुभ उत्तम माना गया मिट्टी को। एक दौर वह भी था जब दीपावली मिट्टी से बने दियों की हुआ करती, घी और तेल के दिए जलाए जाते थे। तेजी से प्रचलन में आई मोमबत्ती और विद्युत झालरों के प्रयोग ने जहां कुम्हारों के हाथ से रोजगार छीन लिया, वहीं घी और तेल के दिए नहीं जलने के कारण बरसात में पैदा होने वाले कीट पतंगे भी अब खत्म नहीं हो पाते। नतीजा यह भी है कि हम लोग भी परेशान होते। मिट्टी के दिए पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक नहीं होते थे। आइए आपको बताते हैं कि कितनी जद्दोजहद के बाद बन पाते हैं यह मिट्टी के दिए। सबसे पहले खुदाई से निकली मिट्टी खरीदी जाती है, फिर उसे पानी से अच्छी तरह साफ किया जाता है और उसमें से छोटे छोटे कंकर निकालकर अलग किए जाते हैं, क्योंकि यदि मिट्टी में एक भी कंकर रह गया तो दीपक टूट जाता है और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। मिट्टी से कंकर अलग करने के बाद बेसन के घोल नुमा मिट्टी बनानी पड़ती है, उसके बाद चाक पर दिए तैयार होते हैं। मेहनत यहीं खत्म नहीं होती, इसके बाद इन्हें ईंटों के भट्टे में पकाया जाता है, फिर इनको आकर्षित बनाने के लिए कलर किया जाता है। इतनी मेहनत के बाद तैयार हुए दियों की कीमत होती है महज 70 या 80 पैसा। अब आप भी सोचिए, जब पूरा परिवार 3 महीने मेहनत करके कुछ दीपक बनाता है और जब ये बिकने को तैयार होते हैं तो मोल भाव कराने से भी नहीं चूकते हम लोग और इनका महत्व जाने बिना खरीद लेते हैं चाइनीज लाइट्स। हमने जब एक कुम्हार परिवार में जाकर देखा तो 2 नन्हे-नन्हे बच्चे अपने दादा का सहयोग करते हुए दिखाई दिए। जब हमने उनका नाम जानना चाहा तो पता चला कि एक का नाम दीपक था तो दूसरे का नाम सूरज। क्या नाम है? सूरज। क्या करते हो? पढ़ाई करते। अभी क्या कर रहे हो? अभी गोल निकाल रहा हूँ। हाँ? गोल निकाल रहा हूँ। गोल बोलते हैं। गोल निकाल रहे हो? क्या करते हो गोल में से? कंकर निकालते हैं। कंकर निकालते हो? बेटा आपका क्या नाम है? दीपक। इधर देखो, क्या नाम है? दीपक। दीपक दीपक बना रहा है? हाँ। ओ, दादाजी का हाथ बटाते हो? हाँ। सहयोग करते हो दादाजी को? हेल्प करते हो? कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। सीखने को भी मिल रहा है और आनंद भी आता है, हैं? हाँ। स्कूल जाते हो बेटा? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ। इधर देख के बोलो। फोर्थ। कौन सी क्लास में? फोर्थ। पढ़ाई करते हो? हाँ। और घर का ये दीपक के काम भी करते हो? हाँ, मैं दोनों करता हूँ। अब सोचना हमें है कि दीपक और सूरज ने तो हमारे घर को रोशन करने की तैयारी कर ली है, लेकिन क्या हम ये मिट्टी के दिए खरीद कर कुम्हारों के घर रोशन नहीं कर सकते? कब से आप ये मेहनत करनी पड़ती है? मिट्टी को लोंडा बनाते हम, फिर पांव से उसको कचरते हैं मिट्टी को, फिर उसको इतने बड़े बड़े लोंडे बनाते हम, फिर एक जन दीपक बनाता हम, हटाते दिन भर गीले गीले। कितने समय पहले से आप ये दीपक बनाने लग जाते हो? 3 महीने हो गए, 2 महीने। और कितने जने आप मिलके, पूरा परिवार है ना? 8 जने। पूरा परिवार मिलकर दीपक बनाते हो आप? ये देखो, आप ये छोटे छोटे बच्चे हमारे कैसे लगे, उधर देखो ना वो। और आपके कितने रुपए में मतलब ये बिकता है दीपक? ये तो एक रुपये में भी जाता है, 1 रुपये का 2 भी जाता है। ये पूरा मतलब राखी के बाद से चालू है। और कितने दीपक बना लेते हो आप? दीपक अब की बन नहीं पाया है, जैसे बारिश के चक्कर से, अभी नम वाले दिन भी बारिश खूब तेज हुई, नुकसान हो गया बहुत सारा। और वैसे दीपक हम 1 लाख के आसपास बना लेते हैं, जो अभी तो ये 15-10 हज़ार बना है खाली। बाजार में जब आप देखते हैं कि लोग ये दीपक खरीदने आते हैं, मोल भाव करते हैं और जहाँ चाइनीज लाइटें हैं वो आराम से खरीद लेते हैं, कैसा लगता होगा आपको? बहुत दुख होता है, मतलब हम खूब मेहनत करते हैं इसमें इसको, पर वो कोई खरीद लेता है तो खरीदो, अपनी कोई बात नहीं है, सबका धंधा है। दीपावली पर इस पुरानी परंपरा को
उदयपुर न्यूज फिर से जीवंत करने जा रहा है, तो आइए आप भी हमारी मुहिम में साथ दीजिए और दियों की दीपावली को यादगार बनाइए। शहर से लेकर गांव तक इस बार मिट्टी के दिए जलाएं। हद है कि गैर मुल्क में बने बल्बों की रोशनी मेरे वतन में बने इन मिट्टी के दीपक की रोशनी को खा गई। एक तरफ जहां इन दीपक की कीमत महज 70 या 80 पैसा, वहीं बाजार गुलजार हुए चाइनीज लाइट से, और हम लोग भी इनका महत्व जाने बिना सीधा खरीद लेते हैं चाइनीज लाइट्स। अच्छे से अच्छा अपने घर को दिखने की चाह में हम नहीं जान पाते कि क्या कुछ खो रहे हैं हम लोग। श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में क्या हम अपने घर को इन दीपक से रोशन तो करें, और साथ में क्या इन कुम्हारों के घर में रोशनी नहीं ला सकते? हमारे द्वारा खरीदा गया एक दीपक हमारे घर को तो रोशन करता ही है, साथ में इस जैसे हजारों दीपक और सूरज के घरों में भी रोशनी करता है। अब सोचना हमें है कि क्या इस दिवाली हम मिट्टी के दिए जलाएंगे? हमने तो प्रण ले लिया है, कौन कौन हमारे साथ आएगा और कौन जलाएगा ये मिट्टी के जलाएंगे। आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हो, तारों की बरातें हो, दूरी की ना बातें हो, बस मुलाकातें हो, सबको यही दे के संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली। अब की बार दिवाली में एक अच्छा सा काम भी करना, कुछ मिट्टी के दिए जलाकर उनका घर भी रोशन करना, रूठे को मनाने का, रिश्तों को फिर से निभाने का, मन में एक अरमान जगाने की एक अच्छी शुरुआत करना, कुछ मिट्टी के दिए जलाकर उनका घर भी रोशन करना। लाई चूड़ा खील बताशे, सबके मन को है ये भाते, कहीं मिठाई कहीं जलेबी, इनकी मिठास को दिल में भर के मीठी मीठी बात करना, कुछ मिट्टी के दिए जलाकर उनका घर भी रोशन करना। जगमग जगमग करता है घर, दुल्हन की तरह यूं सजता है घर, कहीं रंगोली कहीं पर फूल पत्तों की माला, घर को अच्छी तरह सजाकर बड़ों का आदर सम्मान करना, कुछ मिट्टी के दिए जलाकर उनका घर भी रोशन करना। दिवाली की रोशनी से मन की उमंग को रोशन करना, कितना भी कोई दूर हो अपनों से अपनों का मिलना, कुछ मिट्टी के दिए जलाकर उनका घर भी रोशन करना। आइए उदयपुर न्यूज की मुहिम का हिस्सा बनिए और अपने घर सिर्फ मिट्टी के दिए ही जलाइए।